ट्राइबल चीफ को अलके में लेकर केविन ओन्स कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती, और WWE ने आज के होने वाले स्मैकडाउन में रॉयल रंबल 2023 के लिए केविन ओन्स और रोमन रेंस का मैच कंफर्म कर दिया ओबी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल्स के लिए। तो क्या करेंगे आने वाले दिनों में रोमन रेंस केविन ओन्स के साथ, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मैं हूं आमिर बलोच और आप सब देख रहे हैं रेसलिंग 007। दोस्तों, जॉन सीना और केविन ओन्स की टीम से हारने के बाद आज के होने वाले स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ में इन सभी का जिम्मेदार द ऑनररी यूज सैमी ज़ेन को ठहराया। बोला कि उस मैच में पिन सैमी ज़ेन का हुआ, मेरा नहीं, मैं नहीं आ रहा था उस मैच में और मैं कभी नहीं आ रूंगा। और ये बोलने के बाद केविन ओन्स ने आकर रोमन रेंस को बोला कि वो मेरा गुस्सा सैमी ज़ेन पर क्यों निकाल रही है। और इसके साथ केविन ओन्स ने रोमन रेंस को रॉयल रंबल 2023 के लिए चैलेंज किया, और रोमन रेंस ने बोला कि मैं फिर से केविन ओन्स को नहीं देखना चाहता। और इसके साथ आज के होने वाले स्मैकडाउन में WWE ने रोमन रेंस और केविन ओन्स का मैच कंफर्म किया रॉयल रंबल 2023 के लिए ओबी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल टाइटल्स के लिए। और इसके साथ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि रॉयल रंबल 2023 में रोमन रेंस का अपोनेंट जॉन सीना या फिर कोई और सुपरस्टार होगा, केविन ओन्स नहीं। तो इससे यही लगता है कि रॉयल रंबल 2023 से पहले ट्राइबल चीफ केविन ओन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे उसकी जगह कोई और रोमन रेंस को फेस करेंगे ओबी रॉयल रंबल 2023 में। और दोस्तों, वैसे आप रॉयल रंबल 2023 में रोमन रेंस को किसके साथ देखना चाहते हो, केविन ओन्स, जॉन सीना या फिर कोई और सुपरस्टार? हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।